चलिए आते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप कुछ ऐसा है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा जेड के फॉर्म में, मतलब पी क्यू और जेड तीनों ही यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स हैं। हालांकि पी तो हम जानते हैं क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। पर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, आप पी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे और जो क्यू है वो रखेंगे ए इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू यू, ये आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपनी इक्वेशन में तो आपके पास जो इक्वेशन है वहां पर एक वेरिएबल z हो जाएगा, एक u हो जाएगा। फिर आप चाहो वेरिएबल सेपरेबल लगाओ या उसे लीनियर में कन्वर्ट करो, आप इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पर कैसे और क्या होगा वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बस फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखने कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे ही आप पी और क्यू की जगह अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करोगे फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो ए तो हमारा कांस्टेंट है पर ये जो फंक्शन है ये किसका है, पी क्यू और जेड के फॉर्म में फंक्शन है। जैसा कि मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फंक्शन है पी क्यू और जेड का तो आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। एक तो u इज इक्वल टू आपका x प्लस a के बराबर होगा, u इज इक्वल टू x प्लस a के बराबर। इसके अलावा जो p है वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा डेल्टा ऑफ z अपॉन डेल्टा u और जो q है वो क्या हो जाएगा a डेल्टा z अपॉन डेल्टा u। ये सब्स्टिट्यूशन आपको पुट करना है, u x प्लस a के बराबर और बाकी ये दो सब्स्टिट्यूशन है जो कि मैंने पहले डिस्कस किए थे। तो जैसे ही हम ये पुट करेंगे देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, z स्क्वायर की जगह z स्क्वायर, P की जगह हो जाएगा डेल्टा z बाय डेल्टा u का होल स्क्वायर प्लस q की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर डेल्टा z बाय डेल्टा u का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा भाई। q की जगह a का भी स्क्वायर हो गया और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का भी स्क्वायर हो गया प्लस 1 और इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन मैं निकालना चाहूं तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, देखिए z स्क्वायर तो बाहर है ही तो आप कहेंगे सर डेल्टा z बाय डेल्टा यू का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इतना हो गया मेरे पास। अब अगर मैं ये जो जेड स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या टर्म बन के आएगी, टर्म बन जाएगी जेड स्क्वायर डेल्टा जेड बाय डेल्टा यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये निकल के आ गया क्योंकि z स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, z स्क्वायर को भेज दिया इधर तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर, z स्क्वायर आगे इधर माइनस हो जाएगा तो हो गया ए स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सॉरी इसके बाद अगर आप रूट लगा दें पूरे इक्वेशन पे तो यहां पर जो स्क्वायर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपने पूरे इक्वेशन पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया तो z डेल्टा z बाय डेल्टा u इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर का भी क्या लग जाएगा, रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप हालांकि प्लस माइनस साइन भी लगा सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरे का क्या ले लिया, रूट। इसके बाद जो मेरे पास वैल्यूज निकल के आ रही है, निकल के आ रही कुछ ऐसी z इंटू डेल्टा z और साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा अपॉन में, अपॉन में क्या आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस ए स्क्वायर भी है, 1 प्लस ए स्क्वायर भी है, ये जो डेल्टा u था मैंने उसको भेज दिया राइट हैंड साइड। देखिए क्योंकि मैं ये जानता हूं जब भी मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाऊंगा जहां z है वहीं पर z के टर्म्स होने चाहिए, उसी साइड होने चाहिए, ये तो कांस्टेंट है किसी भी तरफ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट तो हम बाहर निकाल देंगे पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आप रखो टी माइनस टू जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी, ये तो z dz की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा मैं dt अपॉन 2 विद माइनस साइन dt बाय माइनस 2 और इसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और साथ में एक चीज और, साथ में अंडर रूट में 1 प्लस a स्क्वायर और, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डेल्टा u। अब इसके बाद
रूट टी का जो होता है, रूट टी का क्या हो जाता है, सीधा सीधा अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं टी टू द पावर 1/2 पावर ऊपर चली जाएगी, पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये माइनस ऑफ 1/2 रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। डी यू का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यू प्लस सी। टी की जगह मैं वापस से सब्स्टिट्यूशन रखूंगा, टी मैंने क्या लिया था, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू की जगह मैं क्या रख दूंगा, यू मैंने क्या बोला था आपको, एक्स प्लस ए लीजिए आप, यू की जगह एक्स प्लस ए और प्लस सी। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके साथ साथ आप चाहे तो फिर से स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ फिर से स्क्वायर कर दो, अगर आप रूट हटाना चाह रहे हो, नेगेटिव साइन हटाना चाह रहे हो, तो फिर से क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका तो स्क्वायर हो ही जाएगा सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब माइनस साइन था हालांकि आगे, तो माइनस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो रिमूव हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंशन करना चाहे तो आगे माइनस वन का स्क्वायर लिख दीजिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां पर भी रूट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहां पर भी स्क्वायर कर दिया, तो रूट यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ये मैं हटा देता हूं इसको। अब जो बचे हुए हैं टर्म्स, राइट हैंड साइड आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, जो कि आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा ए बी, मतलब एक्स ए प्लस ए सी प्लस एक्स सी। ये हमारे इक्वेशन का क्या आएगा, फाइनल आंसर। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर फंक्शन ऑफ पी क्यू और जेड है तो यू बराबर एक्स प्लस ए और पी और क्यू के सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आप रखेंगे तो इसके बाद आपके पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जिसमें रूट लगाते से ही, मतलब 1/2 पावर मल्टीप्लाई करने से आपके पास यहां पर वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल से आप एक साइड z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक साइड u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। बस वापस से क्या करना है, u की जगह x प्लस a रख देना है, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें ये पता है कि ये जो इक्वेशन है किस टाइप में है, ये है फंक्शन ऑफ पी क्यू और जेड के फॉर्म में। हालांकि जो ए है वो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी क्यू और जेड के फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यू आपको सब्स्टिट्यूट करना एक्स प्लस ए वाई। इसके बाद जो पी है वो हम जानते हैं हम क्या रखेंगे, डी जेड अपॉन डी यू, और इसके बाद जो q है उसको हम क्या रखेंगे, a dz upon du। ये सब्स्टिट्यूशंस हमें करने हैं। अभी सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो ये हो गया dz upon du, हालांकि आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल z upon डेल u, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, dz upon du। 1 प्लस q की जगह फिर से क्या आ जाएगा, q की जगह आ जाएगा a into dz upon du का होल स्क्वायर, क्यू की जगह फिर से ए डी जेड अपॉन डी यू जेड माइनस ए, इतना हो गया। अब यहां पे सबसे पहले डी जेड बाई डी यू तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वन प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ए जेड माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो वन है साथ में, जो प्लस में वन है, पहले तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर डी जेड अपॉन ये अंडर रूट लगा देंगे सीधा सीधा, तो क्या इक्वेशन मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी ए dz upon du is equal to कितना हो जाएगा, under root of az minus a square minus, ये equation निकल के आ गई। अब इसके बाद
अब अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल यहां पर अप्लाई कर दूं, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए मैंने वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन और इज इक्वल टू डी यू अपॉन में ए। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो रूट का तो मैं जानता हूं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, ये पूरा का पूरा टर्म ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन, और ए जेड का जो डिफरेंसिएशन है वो ए आ जाएगा अपॉन में, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए जेड का डिफरेंसिएशन, जेड का हालांकि क्या हो जाएगा वन, तो ए आ गया अपॉन में, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है। इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, डी यू का हो जाएगा सिर्फ यू अपॉन में, ए तो कॉन्स्टेंट है, प्लस साथ में क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट आप लगा दीजिए के। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू यू प्लस ए के अपॉन ए, और यहां पर भी क्या है अपॉन ए से ए हो जाएगा मेरा एलिमिनेट, ए कैंसल आउट। अब ए के को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए के को मैं क्या लिख सकता हूं, नया कॉन्स्टेंट, की ए भी कॉन्स्टेंट है और के भी कॉन्स्टेंट है। अब मैं यहां पर इसे नए कॉन्स्टेंट का नाम दे दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बराबर यू प्लस सी। अब आप रूट हटाना चाहे तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप सीधा सीधा यू की वैल्यू पुट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बराबर यू की जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा, मैं वैल्यू रखूंगा एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। अगर हम रूट हटाना चाहें तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ए यहां पर कॉन्स्टेंट है, बाकी इक्वेशन आपका आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, एफ वन मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा पी एंड फंक्शन ऑफ वाई कॉमा क्यू, अगर इस फॉर्म में है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके आप वैल्यूज निकालोगे पी की वैल्यू, पी सपोज आ गया कोई अनदर फंक्शन जी वन ऑफ एक्स कॉमा पी निकल के आ गया, और एक दूसरा फंक्शन जो हमने निकाला है वो क्या निकल के आ गया हमारा जो क्यू है, सपोज क्यू क्या निकल के आ गया, जी टू ऑफ एक्स कॉमा सॉरी वाई कॉमा क्यू निकल के आ गया, फंक्शन ऑफ वाई कॉमा क्यू निकल के आ गया। अब जैसे ही आपने पी और जी की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आप कहां सब्सटीट्यूट करोगे, इसको सब्सटीट्यूट करोगे डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, मतलब p की जगह आपके पास क्या है g1, फंक्शन g1 है, q की जगह क्या है आपके पास फंक्शन g2, और जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास z की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q dy। p और q की वैल्यू आप दो अलग अलग फंक्शन g1 और g2 के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे, साथ में क्या लग जाएगा कोई कॉन्स्टेंट, आप a b c कुछ भी लगा दीजिए, सपोज मैंने b कॉन्स्टेंट लगा दिया यहाँ पे, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर। अगर आपका f1 और f2 दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा पी और फंक्शन ऑफ वाई कॉमा क्यू, तो आप पहले p और q की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालेंगे, कैसे आएगी हम क्वेश्चन से समझेंगे, इसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके आप z को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो कैसे इसका सवाल आता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो आपने इसे लिखा पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू, हम इसे क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट ए के बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो हमने किसके ए के बराबर इन्हें मान लिया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पहला वाला जो है ये क्या है, फंक्शन ऑफ पी कॉमा एक्स, सपोज फंक्शन एफ वन, और इज इक्वल टू ये क्या है, फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा वाई है, q y का फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या है, सपोज a कांस्टेंट के बराबर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम p और q की वैल्यू निकालेंगे x के फॉर्म में और साथ साथ कांस्टेंट के फॉर्म में, कोई अनदर फंक्शन निकल के आ जाता, हम जानते हैं g1 ऑफ x कॉमा a सपोज, और हमने q निकाला g2 एक अनदर फंक्शन ऑफ y कॉमा कांस्टेंट a हो या b हो कुछ भी हो, तो हालांकि a के ही फॉर्म में निकल के आएगा क्योंकि मैंने इज इक्वल टू a लिया हुआ। तो पहले मैं p और q की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, कैसे आएंगी बहुत ध्यान से समझिए।
पहली वाली इक्वेशन में जब मैं पी स्क्वायर माइनस एक्स को ए के बराबर रखूंगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए हो जाएगा, और अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करूं तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। वैसे ही दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस ए। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस a हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस a। तो p और q की तो वैल्यूज निकल के आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वैल्यू रखनी है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में, यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए तो dz इज इक्वल टू p की जगह मैं क्या रखूंगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस a dx प्लस q की जगह अंडर रूट ऑफ y प्लस ए डी वाई। और हमें क्या करना है अब, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन dz का तो देखिए सीधा सीधा z हो गया, अंडर रूट ऑफ x प्लस a का क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 बाय 3 x प्लस a टू द पावर 3 बाय 2। हम जानते हैं कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, पावर में 1 बाय 2 वाला। इसके बाद प्लस यहां हो जाएगा 2 बाय 3 y प्लस ए टू द पावर 3 बाय 2, और साथ में क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, c की जगह b लगाइए, कोई भी कांस्टेंट k लगा सकते हैं आप। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने क्या किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप पहचानो कि फंक्शन ऑफ p कॉमा x और q कॉमा y है, तो इज इक्वल टू मैं आपने कांस्टेंट a लेके p और q की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो p और q की वैल्यू निकल के आ गई, तो बस आपको सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर देंगे तो dz, फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, z की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है p माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस y स्क्वायर। तो देखते से ही पता पड़ रहा है कि ये है फंक्शन ऑफ p कॉमा x और ये है फंक्शन ऑफ q कॉमा y। मैंने इसे किसके बराबर माना, सपोज a के बराबर सबसे पहले अज्यूम किया। जैसे आप इज इक्वल टू ए रखेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और q प्लस वाई स्क्वायर भी किसके बराबर हो गया, a के बराबर। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। अब p और q की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, अब यहां पर पुट करके आप z की वैल्यू निकालेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो dz इज इक्वल टू क्या हो गया, p की जगह आएगा x स्क्वायर प्लस a इंटू dx प्लस q की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस y स्क्वायर इंटू dy। अब आप क्या करेंगे, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx प्लस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, और इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। तो dz का तो हो गया सीधा सीधा z, x square का क्या हो जाएगा, x cube by 3 plus a square x, क्योंकि a square constant है, constant के साथ x लग जाएगा, और यहां पर आ जाएगा plus a square y minus y cube by 3 और plus साथ में क्या लगा दीजिए आप, constant c। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने टाइप तो पहचान लिया कि फंक्शन ऑफ p कॉमा q और फंक्शन ऑफ q कॉमा y के फॉर्म में है, तो इज इक्वल टू a लेंगे तो जिससे p और q की वैल्यूज आ जाएंगी, p और q की वैल्यू पुट करके आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है yp इज इक्वल टू 2yx प्लस log q। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अगर आप ध्यान दें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं yp माइनस टू वाई एक्स इज इक्वल टू log q, log q। यहां से y कॉमन आ रहा है तो इसे लिखा जा सकता है p माइनस टू एक्स, y हमने लिया कॉमन इज इक्वल टू log of q, और जो y है वो अपॉन में आ जाएगा। y अगर अपॉन में आ गया तो क्या बना, p माइनस टू एक्स इज इक्वल टू log of q अपॉन y। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो बना फंक्शन ऑफ p कॉमा x और ये बना फंक्शन ऑफ q कॉमा y इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, a के बराबर मान लिया। तो अगर इसको मैं a के बराबर रखूंगा इज इक्वल टू, जैसे आप a मानते हैं
तो पी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे तो पी कितना निकल के आ जाएगा, टू एक्स प्लस ए निकल के आ जाएगा। पर अगर आपने लॉग ऑफ क्यू अपॉन वाई को किसके बराबर रखा, ए के बराबर, तो आपका लॉग क्यू इज इक्वल टू हो गया ए वाई। पर हम ये जानते हैं हमें क्यू चाहिए, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ ए वाई के बराबर। अगर आप लॉगरिथम को रिमूव कर दें तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाएंगी दोनों साइड। तो p भी मेरे पास है और q भी मेरे पास है। अब बारी आती है फॉर्मूला में पुट करने की। फॉर्मूला क्या है मेरा कि dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इज इक्वल टू p की जगह क्या रखेंगे आप, 2x प्लस a इंटू dx। q की जगह आप क्या रखेंगे, e टू द पावर ए वाई और dy। और क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो जाके आंसर निकल के आ जाएगा। तो dz का तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा z हो गया। 2x plus a का अगर आप करेंगे तो 2x square by 2 हो जाएगा। भाई x का करेंगे तो x square by 2, a का करेंगे तो हो जाएगा ax plus e to the power का करेंगे तो e to the power ay ही होगा, बस अपॉन में क्या आ जाएगा a, साथ में आ गया कॉन्स्टेंट। अब ये 2 रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर वो भी किसका, z इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन है z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ई टू द पावर ए वाई अपॉन ए प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक साइड रखा फंक्शन ऑफ पी एक्स, दूसरे साइड रखा फंक्शन ऑफ क्यू वाई, जिसे a से इक्वेट करके p और q की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मूला में पुट करके p और q अगर आप इंटीग्रेट कर देते तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।